नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। पहले वार्ता रद्द हुई, अब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। आज की वेब वार्ता भी हमारी भारत पाक संबंधों पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप, जब तो पाकिस्तान भारत को धमकी देने पर उतारू हो गया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रवैया शुरू से ही बहुत गड़बड़ रहा है। असल में उफा में नवाज शरीफ समझौता करके फंस गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ये स्वीकार किया कि आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी और उसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया था, और इसी राह पर चलकर भारत इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन अचानक जब पाकिस्तान को ये समझ में आया कि उनकी तरफ से ये चूक हुई है, क्यों चूक हुई है, क्योंकि कश्मीर के बिना वैसे भी उनकी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती। कश्मीर को लेकर उनके पास भीतर से दबाव, सेना का दबाव, अलगाववादियों का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो कश्मीर को शामिल किए बगैर किसी भी तरह की वार्ता करना नहीं चाहते। जब कश्मीर शामिल होता है तो हम मुद्दे से भटक जाते हैं, हम उस आतंकवाद की बात नहीं कर पाते जो सीमा पार से हो रहा है। कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कि बल्कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसकी बातचीत नहीं होती और दूसरी दिशा में बातें चली जाती हैं। इसीलिए मुझे लगता है, और फिर अब पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं वो इस तरह की धमकियां भारत को देने की कोशिश और हिमाकत करते हैं। वो कहते हैं कि भारत लंबे समय तक याद रखेगा। मुझे लगता है कि अभी तक तो उन्होंने अपनी पुरानी जितनी भी हार है, और अभी हमने 65 की जो भारत की जीत थी उसका इतना बड़ा जश्न मनाया है, और वो जश्न इसलिए भी मनाया जाना चाहिए था कि ये तो भारत का बड़प्पन है कि एक बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान की कब्जा करने के बावजूद हमने उसको छोड़ दिया। मुझे लगता है कि भारत ने जब से ये सहिष्णुता की और सरलता की नीति अपनाई है, हमें चीन के साथ भी दिक्कत हुई है, पाकिस्तान के साथ भी दिक्कत हुई है, अब हमने थोड़ा सा कठोर रुख अपनाया है तो उसको लेकर पाकिस्तान विचलित है, और पाकिस्तान ये तय नहीं कर पा रहा है कि अगर भारत ने इतना कठोर रुख अपना लिया है तो वो किस दिशा में बातचीत को लेकर जाए। यदि एक और खबर आ रही है कि पीओके के लोग जो हैं भारत में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, मीडिया में इस तरह की कुछ खबरें आई हैं, हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। और इसमें दिलचस्प से ज़्यादा ये बात है कि इसमें कोई बहुत अचरज की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आ पाई थी, क्योंकि लगातार माहौल ये बनाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहते, जबकि भारत का हिस्सा कश्मीर खुद है, उसमें जो रहने वाला है वो भारत का हिस्सा, और भारत का हिस्सा नहीं होना चाहता तो वो पाकिस्तान चला जाए, जिसका कि निर्माण ही टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना की थी उसके आधार पर हुआ था। और तब ये तय किया गया था कि जो लोग टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है, और हमने देखा कि किस तरह की खूनी खेल उस दौरान हुए, और जो लोग बल्कि यहाँ से गए वहाँ वो भी मुहाजिर कहलाए, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जो कि दरअसल हमारा हिस्सा है, उसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, उनकी बात को दरअसल लगातार दबाया जाता रहा है भारत की तरफ से, तो न केवल ये रुख रहा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का कोई भी नक्शा जो अधिकृत मानचित्र है उसमें वो हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है उसको हमेशा भारत में दिखाया गया है, दिखाया जाता रहना चाहिए, वो भारत का हिस्सा था, है, रहेगा और रहना चाहिए। अब ये कुछ इतिहास के दंश हैं जिनको सहना हमारी मजबूरी है, जिसके आधार पर वो हिस्सा जो धरती के स्वर्ग का एक बड़ा टुकड़ा है, जो भारत के माथे का अभिमान है और जिसकी वजह से भारत का नक्शा पूरा होता है, उसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, और उसके बाद वो इस तरफ जो भारत के हिस्से में कश्मीर है जिस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, उसका एक ऐसा राग वो लगातार अलाप रहा है जिसका उसको भी पता है कि उसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये भारत का स्वाभिमान है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, और जब भी हम कश्मीर की बात करेंगे तो भारत उसको देने के लिए न तो राजी होगा और न पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकवाद को लेकर कोई ठोस बात हो पाएगी, और वो लगातार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करता रहेगा। यदि कि क्या पाकिस्तान से बातचीत रद्द करने का भारत का फैसला सही था? मुझे लगता है जिन परिस्थितियों में बातचीत रद्द हुई है वो ठीक है, और उसमें भारत ने असल में बातचीत को रद्द नहीं किया। भारत ने केवल ये कहा है कि आप अलगाववादी नेताओं से अगर बात करेंगे और कश्मीर को मुद्दे को शामिल किए जाने की जिद पकड़े रहेंगे तो बातचीत नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी बातचीत उफा की स्याही सूख भी नहीं पाई थी और आप अपनी बात से पलट गए। तो जो राष्ट्र इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समिति के सामने, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोई बात कह रहा है, समझौता कर रहा है, और उसमें आप समझौते पे दस्तखत कर रहे हैं और उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गलती भारत की तरफ से कहाँ हुई है? आपने स्वीकार किया था कि इस मसले पर हम बातचीत करेंगे, और जो हमारे यहाँ से कोई आतंकवाद हो रहा है और हम, और उसके बाद लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पर जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सरताज अजीज, वो कागज़ हवा में लहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने बहुत ठीक कहा और ठीक कि हमारे पास तो जिंदा व्यक्ति है,
हमने नावेद को पकड़ा है, उसके बाद अब एक और आतंकवादी हमारी गिरफ्त में, उस आतंकवादी ने जो बयान दिए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले, वो कह रहा है कि 500 ऐसे आतंकवादियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां से आतंकवाद लगातार भारत की ओर भेज। तो आप देखिए कि लगातार इस बात की पुष्टि हो रही, कसाब से बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता, जिसको जिंदा पकड़ा गया था 26/11 के हमले के बाद, नावेद पकड़ा गया, उसने लगातार इस राज का खुलासा किया, अब एक आतंकवादी ये कह रहा है कि 500 लोगों को, तो ये तो भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। और उस पर अगर पाकिस्तान बात करना नहीं चाहता तो उससे बात क्यों होनी चाहिए? आप हमारे यहाँ पर जो अलगाव का राग अलाप रहे हैं, जो कश्मीर में रहकर भारत के सुरक्षित सैन्य सीमा में रहकर भारत के लोकतंत्र का तमाम फायदा उठाने के बावजूद भारत से अलग होने की बात करते हैं, तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। मुझे तो आश्चर्य भारत सरकार की नीति पर भी होता है। आप उनको जिस दिन वो बात करने जाते हैं पाकिस्तानी दूतावास में, उस दिन तो उनको रोक देते हैं, बाकी समय पर उनको क्यों नहीं रोकते? मुझे लगता है इस तरह की ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना। अगर आप भारत का हिस्सा है, कोई व्यक्ति जो पासपोर्ट में भारत लिखवाना चाहता और फिर भी कहता है कि वो भारत का नागरिक नहीं, तो पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहता भारत का? वो स्वतंत्र, वो चला जाए पाकिस्तान में, अमेरिका में चला जाए, यूरोप के किसी देश में चला जाए, वहां की नागरिकता मिलती हो तो ले ले, उसको कोई मजबूर तो नहीं किया गया इस देश में रहने के लिए। इस देश की जमीन को वो साथ में नहीं ले जा पाएगा, वो इस देश के किसी टुकड़े को अलग नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे चला जाए, जिस देश की नागरिकता लेना चाहे चला जाए। हमारे यहां से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, उनके बच्चे वहां पैदा होते हैं तो वो अमेरिका के नागरिक कहलाते हैं, बन जाए, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जमीन का टुकड़ा आपके पास चला जाए, तो वो तो संभव नहीं। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत पाक संबंधों की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।